ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਯੇ ਇਸਕੋ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵੋ ਉਸਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਵਾਹ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 70 ਡੇਜ਼ ਕਾ ਭਾਜੀ 70 ਡੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਹ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਔਰ ਯੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਕੀ ਯਾਰ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਇਨਹੋਨੇ पूरी तरीके से यहाँ पर 3 सेगमेंट बना दिए और स्पेस देखना कितना ज्यादा है। अगर पपीज यहाँ पर 2 पपीज है उनके लिए खेलने कूदने के लिए अच्छा खासा स्पेस और गार्डन तो है ही है। तो ये देखना ऊपर सेकंड बेस्ट इन शो, ये सारी की सारी जो है पूरी की पूरी दीवारें चारों तरफ से भरी हुई है और अभी तो सर्टिफिकेट अलग होंगे है ना भाजी। बहुत सारे ये देखना इधर थर्ड प्राइज। यो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है बिकॉज मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही स्पेशल लैब्राडोर ब्रीड। हमारे बंटी बाजी के पास मैं जा रहा हूँ पंजाब में, तो बहुत टाइम से वो लैब्राडोर ब्रीड कर रहे हैं, पहले भी उनके साथ हमने व्लॉग बनाया है। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। तो ज्यादा समय ना लेते चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं हमारे बंटी बाजी के घर के बाहर, तो आइए आपसे उनको मिलवाते हैं। हेलो पाजी, सत श्री अकाल जी, कैसे हो? कैसे हो जी? और जी कैसे हो? ये पाजी का बेटा, क्या नाम है इसका? नवजोत सिंह जी। नवजोत। सो पाजी आज हम स्पेशली आए हैं बहुत टाइम के बाद आपके पास, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा सेटअप भी चेंज कर दिया आपने और डॉग्स भी ऐड ऑन किए हैं, राइट? बिल्कुल। कितने डॉग्स हो गए अभी यहाँ पर टोटल? मेरे पास हो गए अभी 800 कुत्ते हैं जी। 800-900 डॉग्स और पपी? पपीज हैं 10-12 पपीज हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे लैब्राडोर। देखो गाइस, सबसे एक चीज़ हमने मैटर जरूर करना है कि लैब्राडोर ना मार्केट में बहुत है, मतलब अब तो हर दूसरे घर में या पहले घर में लगा लो लैब्राडोर होगा या दूसरे में जर्मन शेफर्ड होगा। बिल्कुल। बट यहाँ पे जो मैं लैब्राडोर दिखाने वाला हूँ ये सभी के सभी इम्पोर्ट लाइनेज डॉग शो, जो प्रॉपर एक लैब्राडोर का एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक साइज होता है, एक शेप होती है, वो है यहाँ पर जो असलियत की शेप है। अब तो बहुत बड़े बड़े सिर वाले, बहुत बड़े बड़े रिंकल्स वाले डॉग्स हमें देखने को मिलते हैं, प्यारे सभी होते हैं, बट एक जो स्टैंडर्ड होता है, जो असली रियलिटी है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ पाजी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आपको सेटअप। तो यार गाइस एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, पाजी ने इतने प्यारे फूल वगैरह यहाँ पर लगाए हैं ना, किसको शौक है आपके घर में? मेरे को शौक है। अच्छा, आपको शौक है, ये सही है यार। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये लास्ट टाइम नहीं थी जगह, ये नहीं बनाई गई है, ये केज वगैरह सारा इधर नया बनाएगी। वाओ, ये सेटअप यहाँ पर सभी के सभी डॉग्स हैं। ओए, ओ, ओ, तो एक एक करके आपको सभी से मिलवाऊं। 15 साल की है। कौन सी? ये देखा गाइस, ये 15 साल की फीमेल है। वाओ, बस 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 बस। और ये सारा मिट्टी कच्चा है टू जेड? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मिट्टी क्यों रखी है वैसे स्पेशली आपने? कुछ डॉग्स में इनके हैंड्स वगैरह स्ट्रांग रहते हैं, इनके पैर जो है वो स्ट्रांग मुड़ते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्टिविटी भी जरूरी है, जैसे वो खोदते रहते होंगे यहाँ पे, टाइम पास करते रहते होंगे। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, और ये पक्का है, ये सीमेंटेड एरिया है, ये पपीज के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये स्पेशली पपीज, इनसे भी मिलवाएंगे अभी आपको। और इसके बाद इधर है एक साथ, अच्छा ये मदर्स है बच्चों की, है बच्चों की मदर्स है। वाह, तो ये देख रहे हो कितना अच्छा यूटिलाइज किया हुआ है इस जगह को इन्होंने, पूरी तरीके से यहाँ पर 3 सेगमेंट बना दिए और स्पेस देखना कितना ज्यादा है। अगर पपीज यहाँ पर 2 पपीज है उनके लिए खेलने कूदने के लिए अच्छा खासा स्पेस और गार्डन तो है ही है। तो लो जी गाइस, यहाँ पर पाजी निकाल कर लाए हैं बहुत अमेजिंग लैब्राडोर पपी। कितनी एज है पाजी इसकी? ये नियर अबाउट 70 डेज का भाजी। 70 डेज यानी कि 2 महीने 10 दिन? हाँ, 2 महीने 10 दिन। वाह यार, इतना छोटा और ये इतना ज्यादा ग्रोथ लग रही है इसकी यार, और इतना ट्रेंड डॉग शो के उसके लिए। तो आप कितने टाइम से ट्रेनिंग शुरू कर देते हो डॉग की? अभी शुरू है जिनकी 2 महीने। देख रहा हूँ मेरे, वाह यार इसके इसके पॉज साइज देखना गाइस। ओए हाँ हाँ हाँ, अरे वाह जी वाह, कितना ज्यादा क्यूट है। और ये किस डॉग का बच्चा है भाजी? ये मेरे पास ही कुत्ता है जी, रशिया से इंपोर्ट है। अच्छा, ब्लैक कलर में ही है वो? नहीं नहीं, इसकी मदर ब्लैक है। अच्छा, इसकी मदर ब्लैक है और फादर येलो है। इसके पाव साइज देखना गाइस, पाव। अच्छा, इनमें मैं एक चीज जानना चाहूंगा, इनमें और जो हैवी थोड़े से जो बहुत ज्यादा फैट वाले डॉग्स होते हैं, जो छोटा अगर 2 महीने का दूसरा पपी देखोगे उसको तो ऐसे रिंकल्स लटक रहे होंगे वो, उसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क तो पहले तो जिसके मदर फादर का फर्क होता है ना, पेडिग्री का फर्क होता है, पेडिग्री फर्क होता है जी। हां, दूसरा ये सिर्फ और शो डॉग है जी। अच्छा, ये सिर्फ शोज के लिए है, स्पेसिफिक शो के लिए है। बिल्कुल। बट एक अगर मैं बताऊं कि जब लैब्राडोर शुरू हुए थे तो वो ऐसे ही होते थे, अब थोड़ा सा उनको अलग अलग म्यूटेंट बना बना के उसको थोड़ा और टाइप का डॉग बना दिया है ना। बट एक हेल्दी और एक आप कह सकते हो जो रिट्रीवर का काम होता है, जैसे लैब्राडोर रिट्रीवर का काम है टहर के रिट्रीविंग करना, वो ये डॉग कर सकता है। तो जो इनकी ना टेल होती है ना ये वाली, हाँ ये देखो,
हाँ ये इसका मेन पार्ट होता है डॉग का। ये तो मानना पड़ेगा। और उधर से देखना वो दूसरे कलर को छोड़ो यार, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। अरे वाह, तो ये है वाइटिश कलर में। ये मेल है फीमेल है? दोनों मेल है। अच्छा दोनों ही मेल है। अच्छा ये आप तैयार कर रहे हो इनको? रेडी कर रहे हैं। वाह ओए, अरे वाह जी वाह, देख लो इनकी अभी से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी है। और देखो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है पाजी, ये वाले डॉग थोड़े से ज़्यादा एक्टिव है कंपेरेटिवली। 70 दिन का बच्चा इतना एक्टिव तो नहीं होता, मतलब वो होता है बट वो थोड़ा, क्योंकि या तो उनको केज में रखा जाता है छोटे वाले, हाँ इस वजह से आपने इनको रखा है थोड़े ओपन स्पेस में। ओपन में इसके चक्कर क्या ना, देखो इनके जो पैस्टन है थोड़ा टाइट पैस्टन है इनका ना, तो ज्यादा जो कार्बन के भीतर रखते हैं केज में रखते हैं, हाँ वो इतने मतलब उनके जो पैस्टन वीक हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। ये तो मानना पड़ेगा, ये तो मानना पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं मिलेगी यहाँ पे, गार्डन में खेलना, मिट्टी में रहना, पक्के फर्श पे चलना, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ठीक है। इनको क्लाइमेट अच्छा मिल रहा है। एक तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है पाजी का खेत से लुका हो, उसके लिए इनका क्लाइमेट भी अच्छा, कोट भी अच्छा है इनका। वाओ, और इनको डाइट क्या दे रहे हो अभी आप? इनको जी चिकन भी दे रहा हूँ जी साथ में। अच्छा, और साथ में इनको जो आरसी का रॉयल कैनन का डॉग फीड चल रहा है इनका। सही है। कितने टाइम डॉग फीड दे रहे हो इनको, कितना टाइम मतलब मील कितनी दे रहे हो दिन के अंदर? दिन में खा लेते हैं जी 100 ग्राम इनको मॉर्निंग में देता हूं और 300 ग्राम खा लेते हैं दिन में जी। मतलब कि दो टाइम दे रहे हो या तीन टाइम? तीन टाइम। तीन टाइम दे रहे हो, तो मतलब आप तीन टाइम सजेस्ट करते हो पप्पी को। और बड़े डॉग को? दो टाइम। बड़े डॉग को दो टाइम। सही है। ओए मेरी सॉक्स छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो तुम? सो देखा आपने कितने अमेजिंग पपीज थे। तो पाजी ये वाले जो डॉग्स हैं ये आपके खुद के लिए हैं, आपने सेल नहीं करने? नहीं, ये सेल नहीं है जी। अच्छा, और जो आगे हम दिखाएंगे छोटे पपीज वो सेल के लिए होंगे या उनमें से कुछ अवेलेबल है? कुछ अवेलेबल है। अच्छा, कुछ ऑलरेडी बुक्ड है। तो अभी पाजी मैं चाहूंगा आप हमारे को ना अपने इम्पोर्ट डॉग्स दिखाइए जो अभी बड़े वाले हैं, है ना, वो निकालते हैं। गाइस एक चीज मैं और बताऊं, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रीडर जो है जब भी बड़े डॉग होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अभी आप एक वो फीमेल देख सकते हैं, ये 14 साल की फीमेल है, 15 की। और लास्ट टाइम भी हमने इसको दिखाया था, तो मतलब 15 साल से ही आपके पास ही है? मेरे पास ही है जी। हाँ जी, हाँ जी। वाह यार, देखने। और इसका नाम क्या है? शैडो। तो ये शैडो जो है ये निकालते हैं अभी। हाँ, इसको बाहर निकालते हैं। तो गाइस मैं आपको भी दिखा रहा हूँ बहुत अमेजिंग प्यारे प्यारे लैब्राडोर का पपी। तो ये कितनी एज है पाजी इनकी? ये 1 मंथ की मेरी। अच्छा, ये 1 मंथ के आए हैं। ये है एक फीमेल और ये मेल है। वाह, तो ये कौन से डॉग के बच्चे हैं? ये मेरे पास ही कुत्ता, ये इम्पोर्ट है डॉग। वो भी इम्पोर्ट है? वो कौन से कंट्री से इम्पोर्ट है? वो रशिया से है जी। तो ये रशियन डॉग है वैसे, इनको कह सकते हो। हेलो, ओरे ओरे, कितने प्यारे हैं, कितने अभी आज ये पहली बार निकले हैं बाहर? जी हाँ जी, पहली बार। इनको नीचे छोड़ दूँ? हाँ हाँ, छोड़ दो। आ जाओ आ जाओ। एक तो ना घास जो है ना बहुत अच्छी चीज है, मेरे को ऐसा लगता है डॉग्स के लिए, है ना पाजी? इनके पंजे भी सही रहते हैं और इनके लिए भी सही है ना वैसे। वाह, इनकी मदर जो है वो भी इम्पोर्ट है पाजी? वो ब्रीडिंग नहीं, वो इम्पोर्ट की डॉटर है। अच्छा, हाँ जी हाँ, वो इम्पोर्ट की डॉटर है। हेलो, वो इंडिया के बहुत फेमस बिच है जो इनकी मदर की मदर है वो। अच्छा, तो इनकी हाँ जी हाँ जी, जो इनकी नानी है एक तरीके से, वो बहुत मतलब बहुत फेमस डॉग है। फेमस। वाओ, सो बेसिकली पाजी ना जो मेन, देखिए बहुत सारे लोग आपको ब्रीडर्स मिलेंगे, ही इज नॉट अ ब्रीडर। ये डॉग शोज के अंदर बहुत ज्यादा लेकर जाया जाते हैं, मतलब मैंने जब भी मैं डॉग शो में गया हूँ पाजी का डॉग वहाँ पे हमेशा जीतता ही दिखा है, टचवुड, और ये चीज कामयाबी रहे। पाजी का पैशन है डॉग को शो करना, ब्रीड को सुधारना, ब्रीड को पूरे लेवल तक लेके जाना, अपनी ब्रीडिंग को पूरी वर्ल्ड तक लेके जाना, वो इनका पैशन है, वो चीज बड़ी अच्छी लगती है। और साथ ही साथ इनका जो बेटा है, इधर आओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सी क्लास में आप? 8th class। ये 8th class में, और तुम्हारे को डॉग शौक है शुरू से? हाँ, मतलब तुम्हें पसंद है कि पापा डॉग्स रखते हैं या नहीं? पसंद है। खुद भी रख, मतलब खुद भी तुमने कोई पाला अपना? आज कहते हो कि तुम मेरा पर्सनल डॉग है, है कोई तुम्हारा यहाँ पे कोई? शैडो इसकी पर्सनल ही है जी। अच्छा, शैडो इसका पर्सनल ही डॉग है। सही है यार, ये सही है। वाह, जो हमारे कैनल में है ना सभी को सेल कर देंगे, शैडो सेल नहीं है। अच्छा, ये सही है यार, वो एक घर की बच्ची हो गई ना, उसके वाला हिसाब हो गया जी। वाह, तो यहाँ पे एक और आ गया पप्पी। वाह, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। सो अभी बारी है बड़े डॉग्स दिखाने की। पपीज मैंने स्पेशली आपको इसलिए पहले दिखाए बिकॉज गाइस आपको ये पपीज देख के ऐसा लगेगा कि इनके इतने बड़े सिर क्यों नहीं है, इतने कोई रिंकल नहीं है, ड्राई फेस है देखो। बट ये पपीज भी लैक्स में जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पेडिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द डॉग, द स्टैंडर्ड ऑफ द डॉग। और इनके जो पेरेंट जितना जीते हैं, और ऑब्वियसली पाजी के नाम की वजह से एक जो एक वो आप कह सकते हैं ना विश्वास बन जाता है, तो ये भी बहुत कॉस्टली जाती हैं चीज़ें। तो वैसे तो डॉग्स का कोई ऐसे दोस्त कभी खरीदे नहीं जाते, बनाए जाते हैं,
बट ऑब्वियसली हर एक चीज खरीदी जाती है आज के समय में। चलो ठीक है गाइस, अभी बारी है बड़ा डॉग्स दिखाने की। ए ये लो जी, तो इनका आ गया बड़ा लैब्राडोर। ओए 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 ओए, वाओ। इसका नाम क्या पाजी? इसका नाम है ऋषि मेरा से पैट्रिक। हां जी पैट्रिक, पैट्रिक, हेलो पैट्रिक। ओए ओए ओए, वो देखना, वो देखना टॉय लेके कितना खुश है पैट्रिक। पाजी एक चीज ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लैब्राडोर जो होते हैं वो सुस्त होते हैं। नहीं नहीं, लोगों के होते हैं, मेरे सुस्त नहीं है जी। ये सही है, लोगों के सुस्त होते हैं, हमारे सुस्त नहीं है। वाह, उधर से देखो वो सभी भौंकने लग गए उधर से। वाह, तो ये भी डॉग शो के लिए तैयार किया हुआ है आपने? बिल्कुल जी, ये ऑलरेडी रशियन चैंपियन है जी। अच्छा, रशिया का चैंपियन है ये? रशिया का चैंपियन है और ये बेलारूस का चैंपियन भी है। वाह, और हां जी, अभी मैं इसको दिल्ली लेके जा रहा हूँ परसों को। अच्छा, 19 को दिल्ली डॉग शो, वहां पे लेके जा रहा हूँ इसको मैं। वाओ यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है वो, देखना। ओए हाँ, क्या हेड फेस है भाई, वाओ क्या बात है। तो इसका, इसके इसके पप्पीज हैं वो जो अभी हमने देखे, जो छोटे वाले वन मंथ के ना, वो इसके पप्पीज हैं। अच्छा, वो इसके पप्पीज हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं। वाओ यार, बहुत अमेजिंग। मतलब मैं आप देख रहा हूँ, इस लैब्राडोर के मसल्स हैं गाइस, लिटरली इस लैब्राडोर के मसल हैं। नहीं तो लोग फैटी फैटी लैब्राडोर करके रखते हैं। बता रहा हूँ आपको, ये नियर डेली की इसकी वॉक है 10 किलोमीटर की। अच्छा, ये साइकिलिंग करता है 10 किलोमीटर डेली, साइकिलिंग करता है। वाह यार, बहुत सही। ओए तो लो गाइस, यहाँ पर एक और लैब्राडोर निकाली है। इसका नाम क्या पाजी? इसका नाम जी अलीना जी। और ये इंडियन चैंपियन है? ये इंडियन चैंपियन है। कितनी एज होगी इसकी? ये नियर अबाउट 5 साल की होगी जी। 5 साल की होगी। वाह वाओ यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग। यार आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा विनिंग की है इस फीमेल ने। इसने बहुत विनिंग की है, बिल्कुल जी। मतलब क्या क्या आज तक कहाँ कहाँ पे जीती है, कुछ थोड़ा बताओ ना। मैंने नियर अबाउट जी पूरे नॉर्थ में शो किया है जी पूरे। अच्छा वाओ यार, फ्रेंडली है। हेलो, अरे अरे कितनी खुश हो गई है, कितनी खुश हो रही है, कितनी खुश हो रही है। ये आपके हाथ में क्या जो आप इनको दिखा रहे हैं? ये डॉग फीड है, तो ये मतलब बेसिकली इनको लालच देने के लिए कि टिक के खड़े हो जाओ। ये देखना, भैया के हाथ में कुछ नहीं है, बस उनको लग रहा है कि कुछ है। और वहां से एक और डॉग निकाल के लाए हैं। इसका नाम क्या है? ये अलेक्सा। इंपोर्ट ही मिला है। अच्छा, ये इंपोर्ट है, कहां से? ये भी रशिया से इंपोर्ट है। अच्छा, सारे रशिया से ही आ रहे हैं लैब्राडोर। अच्छा, इंडियन चैंपियन है। वाओ यार, अरे वाह क्या बात है। इसकी कितनी एज है पाजी? ये होगी नियर अबाउट 5.5 साल की। कितने साल की? 5.5 साल। 5.5 साल की, वाह अच्छी खासी एज है इनकी, बहुत सही। क्या बात है, देख रहे हो इनकी टेल्स अलग, देख रहे हो इनकी टेल कितनी ज्यादा स्ट्रेट है, कितनी ज्यादा, अगर मैं इसको पकड़ूं कितनी हैवी टेल है, देख रहे हो इनकी। अभी इसके जो कोट शेड हो रहा है इसका फीमेल का। अच्छा, अभी नया कोट आ रहा है, जो पुराना कोट है वो जा रहा है। तो लैब्राडोर में सबसे मेन चीज क्या देखनी चाहिए, अगर बाय चांस कल को कोई बड़ा डॉग है पप्पी लेता है, तो उसको क्या चीज उसको देखना चाहिए कि वो शो में उसको ले जा सकता है? पहले तो सबसे बड़ी बात, पहले तो पेडिग्री मेन तो है ना, केजीआई रजिस्ट्रेशन। फिर वो डॉग कौन सी है, उसका मदर कैसी है, उसका फादर कैसा है, सब चीजें। और जैसे सपोज अगर मैं ये डॉग है या ये वाली डॉग है, तो इसमें आपको क्या बेस्ट लगता है अपने खुद के डॉग में कि हाँ इनकी ये क्वालिटी मुझे स्ट्रक्चर के अंदर या इनकी इनके बॉडी वाइज ये अच्छी लगती है? सबसे पहले तो ना कि इसकी जो बॉडी है इसकी देखो, इसकी टेल देखो, इसके जो बैक एंगुलेशन, टॉप लाइन, फेस, फ्रंट है ना, ये सब देखने वाला होता है ब्रो। ये तो है, और टेम्परामेंट भी बहुत मैटर करता है। टेम्परामेंट हां जी। तो लो जी गाइस, एक बार हमने इन सभी डॉग्स को बाहर निकाला है, तो ये टोटल जितने डॉग हैं सभी के सभी पाजी के यहाँ पर बिन ग्राउंड है, और यहाँ पर है इनकी शैडो। पाजी शैडो की स्टोरी बताओ ना, आप कैसे लेकर आए थे, थोड़ा हमारे को बताइए। ये शैडो ब्रो मैंने बठिंडा से ली थी जी। अच्छा हां जी हां। वाओ, और अभी इसको 15 साल हो गए फैमिली में, है ना, मतलब इसने सारी ए टू जेड आपकी जितनी तो आपने, इसके बहुत सारे पपीज चैंपियन हैं, इंडिया चैंपियन बच्चे हैं इसके। अच्छा, शैडो शैडो ना, शैडो आयो, हेलो शैडो, बड़ी प्यारी है यार ये, अभी मेरे पास आई थी ये। शैडो इधर आओ ना, क्या सूंघ रही है शैडो? वो देखो वो खा रही है, और नीचे गिरे थे ना अभी, वो देखो सारे उधर अब अपने अपने गेम से मस्त हो गए हैं। शैडो कम हियर, शैडो। वाओ बहुत प्यारी डॉग है यार, बहुत प्यारी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा ये ब्लैक डॉग मेल है? हाँ। वाओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम यूरो है जी। यूरो? हाँ, हाँ, ये इसका ब्रदर है। अच्छा, उसका ब्रदर है। हाँ जी हाँ। सही है यार, ये आपकी खुद की ब्रीडिंग है ये वाला? नहीं नहीं, ये मैंने बाहर से मंगाए। अच्छा बाहर से मंगाए हैं, सही है यार, ये देखना सभी के सभी। और वो बेचारी बुजुर्ग, हाँ तेरे को सबने यहाँ बिठा दिया,
ये सबको देख रही है टू जेड। वाह, इसको दिखाएंगे भाई। तो ये गाइस, ये ब्लैक मेल देखना यार, ये तो बहुत अलग ही है। वाह, इसकी एज कितनी है ब्लैक वाले की? ये भी इसका ब्रदर है जी, 5 साल की एज। ये भी 5 साल का है। ओए, वो सबको बॉल लेनी है, सबको टॉय लेना है। तो ये ऐसे इनका प्ले टाइम चलता होगा भाजी? डेली एक्सरसाइज है, सही है यार। ए ओहो लो जी, ये इसको पता है ना कि वो उसका शिकार है। वाह यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड पाजी, एक बार मैं चाहूँगा कि इनकी जीती जो ट्रॉफीज है, जो आपने ट्रॉफी रूम बनाया, एक बार हमारे को वो भी आज जरूर दिखाएं आप। चलो आज। सो गाइस, अभी हम पाजी के घर के अंदर आए और यहाँ से ट्रॉफीज रखना शुरू हो गई है। यहाँ से आप ट्रॉफीज चेक करते रहो, 3rd best in show, 6th best in show, और ये जितनी भी विनिंग है सभी पाजी के खुद के डॉग्स के हैं ना, खुद के डॉग्स के सभी के सभी। वाह, और ये अभी हम आ गए हैं यहाँ पे इनके ट्रॉफी रूम में। तो ये देखना ऊपर 2nd best in show, ये सारी की सारी जो है पूरी की पूरी दीवारें चारों तरफ से भरी हुई हैं। और अभी तो सर्टिफिकेट्स अलग होंगे है ना पाजी, बहुत सारे। ये देखना इधर 3rd prize। वाह यार, मेरे को ऐसा लगता है 500-600 से प्लस ही होंगी यहाँ पे इस टाइम। एक्चुअली हमारे 3 घर हैं जी। अच्छा, और तीनों घरों में ट्रॉफीज हैं। ये सही है यार, ये सही था, बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा लगा पाजी आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। एंड आई होप, अगर गाइज आपको किसी भी चीज़ की कोई भी क्वेरी है पपीज से रिगार्डिंग, या फिर किसी भी चीज़ से कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग डॉग्स के लिए, लैब्राडोर के लिए स्पेशली, तो आप पाजी का मैं नंबर और इंस्टाग्राम सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट और पाजी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। विद दैट करता हूं आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन। और ये भाई का भी नया यूट्यूब चैनल चलाया है, इसका यूट्यूब चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सबने जाके कमेंट करने हैं, सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई भी लैब्राडोर से रिलेटेड कुछ भी आपको सवाल रहेगा तो कमेंट में इनके कर देना, और ये आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है पाजी, पक्का? थैंक यू सो मच पाजी, मिलते हैं बिल्कुल जल्दी। थैंक यू सो मच पाजी। थैंक यू।